फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने डिवोर्स कल्टीवेटर के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो जांग है वो यान को लेके जाता है गुशी के घर, क्योंकि गुशी ने उसे रिक्वेस्ट की होती है, क्योंकि अभी तक उसे पेमेंट नहीं दी गई होती है, इसलिए यान को भी वहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आके ना वो दोनों के अंदर कुछ आर्ग्यू होने लगता है और वो दोनों फाइट करने के मूड में ही होते हैं। तो यहाँ पर गुशी सोचता है, मुझे नहीं पता है कि ये लोग इस टॉपिक से अपने डिवोर्स के टॉपिक तक कैसे पहुंच गए, और मुझे लगता है यहाँ कोई फिजिकल वायलेंस भी होने वाला है, क्योंकि यान ना अपनी पोजीशन ले लेता है जैसे कि वो अभी जांग को मार देगा। तो यहाँ पर गुशी उसे बोलता है, सिस्टर इन लॉ आपको वायलेंस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जांग और ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ कहने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम ज़्यादा ही फस बना रहे हो। और वो गुस्सा करता है गुशी पर। तो यहाँ पर ना जो यान है वो बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी इन सभी चीज़ों से इफेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर गुशी सोचता है कि हाँ वो सही कह रहा है, ब्रदर जांग बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड रहे हैं। अगर पहले जो यान कुछ भी करता था, कुछ अलग भी करता था, तब भी वो कभी ऐसे उसके साथ आर्ग्यू करने के लिए बॉदर नहीं करते थे, लेकिन अभी कंसेप्ट अलग है, वो हमेशा उसके साथ लड़ने का मौका ढूंढते हैं। तो यहाँ पर यान बोलता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट है यहाँ का, और वो उसे ट्री को उठाता है और बोलता है कि ये यहाँ पर जिसने भी पॉट किया है ना, इसकी वजह से ओमिनस एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। तुम्हारा जो सारा तुम्हारे ऊपर जो एनर्जी वगैरह हो रहा है, तुम्हारे ऊपर जो बैड एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी, वो सब इस चीज़ की वजह से ही है, जिसने अभी ये तुम्हें दिया है ना, उसी की वजह से ही तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो पहले तो वो समझा रहा होता है, लेकिन फिर तो वो सोचता है, वेट, ये दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इनको एक्सप्लेन करना बहुत ही पॉइंटलेस है। और फिर वो कुछ नहीं बताता और सीधा बोलता है कि जिसने भी इसे दिया है वो तुम्हारा हार्म करना चाहता है। तो आगे गुशी को जो यान है ना वो और भी चीज़ें थोड़ा बहुत बताता है, और जांग बोलता है कि ये जो ट्री है ना, वो जो गुशी की स्टेप मदर है पी लिन, उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर जो यान है वो बोलता है कि इस सिचुएशन को ब्रेक करना, मतलब तुम्हारे ऊपर जो कर्स है उसे ब्रेक करना ईजी है, लेकिन इसके लिए हमें उस पर्सन को पहले यहाँ पर बुलाना होगा, तो हम ये कल करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो गुशी बोलता है कि ठीक है। तो यान उसे बोलता है, इस टाइम पे तुम मेरे साथ जाना। जांग को देख के वो बोलता है। तो जांग को हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जो कि किसी एंटिक मार्केट में होता है, और जांग उसे लेकर जांग के साथ यान होता है, और जो जांग है वो सोचता है कि ये मुझे इस तरह की प्लेस में क्यों लेकर आया है। तो यहाँ पर यान ना बोलता है कि बॉस, ये जो चीज़ है इसका कितना रेट कर लगाओगे। तो वो बोलता है 1300। तो उसे देख के ना जो यान है वो बोलता है, 280 का लगाओगे तो मैं लूँगा। तो यहाँ पर ना जो जांग है वो सोचता है कि क्या तुम सीरियस हो, और वो सोचता है ये इतनी ज़्यादा कम कैसे करवा सकते हैं। और हम देखते हैं जो बॉस है ना वो तभी मान जाता है और बोलता है कि ये जो यंग मैन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट में लग रहा है, लेकिन लगता है जो जांग है, मतलब तुम इतने अच्छे नहीं हो बार्गेनिंग में, तो फिर क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, मेरी फर्स्ट सेल है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो यहाँ पर ना जो जांग है वो सोचता है कि तुमने एक्चुअली में इसे सेल कर दिया। तो जैसे ही बाहर आते हैं तो हम यान को देखते हैं जिसका मुंह उतरा होता है। तो यहाँ पर जांग उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं हो, इवन कि तुमने उस चीज़ को कितने ज़्यादा चीप रेट में लिया है। तो यहाँ पर ना जो यान है वो बोलता है कि वो इतनी जल्दी अग्री हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा था कि मैंने ज़्यादा ही ऑफर कर दिया, तो इसका रेट और भी ज़्यादा कम होना चाहिए था। तो उसकी बात सुन के जांग के पास कहने को कुछ नहीं होता, और वो सोच रहा है कि मुझे इससे पूछना ही नहीं चाहिए था। तो जैसे अभी यान उदास है ना, वैसे ही कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना जो यान है वो भी और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, और हमेशा बहुत ही ज़्यादा कम दाम में लेता है, जिसे देखे ना जो जांग है वो तो उसे देखता रहता है। और हम जब उनकी शॉपिंग हो जाती है ना, तो हम देखते हैं पीछे से जो शॉपकीपर होता है ना, वो बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्श हो, मैंने इन कॉपर कॉइन को 170 में लिया था, लेकिन तुमने बार्गेनिंग करके इसे 120 में लिया है। और हम देखते हैं यान अभी खुश होता है, क्योंकि उसने उसके पैसे वसूल कर लिए होते हैं, और वो आगे चलने लगता है। तो आगे वो बोलता है कि तुमने बोला था पीलिन, उसकी रिलेशनशिप क्या है गुशी के साथ। तो जांग बोलता है कि वो उसकी स्टेप मदर है, उसने जो गुशी के फादर से मैरिज की थी, और इसके अलावा उसके दो बच्चे भी हैं जो ट्विंस हैं। तो बोलता है यान, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं समझ सकता हूँ लोग ज़्यादा प्यार के लिए लड़ते हैं या मनी के लिए, और इतना हार्श उसने गुशी की तरफ एक्शन लिया है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें पैसे के कारण है। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है कि तुम जाओ और ये जो चीज़ है ना उसे अपने ब्रदर को दे देना। तो यहाँ पर जांग बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो यान है ना वो बोलता है, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, किसे केयर है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो जो अपने जो ब्रदर के साथ ऐसा कर रहे हो।
कोई बात नहीं। और फिर वो जो चीज़ है उसे अंदर डालने लगता है। तो फिर यहाँ पर जो जांग है वो सोचता है कि क्या तुम मुझे स्कोल्ड करने की ट्राई कर रहे हो। तो वो चीज़ 18+ होती है और वो उसे टच कर लेता है और रख लेता है। तो यहाँ पर यान बोलता है कि हाँ ये अच्छा है। तो अभी ना हम देखते हैं जो जांग है वो उससे बोलता है कि क्या ये ठीक है। वो उस खिलौने को अच्छे से करता है और आगे जो यान है ना वो पहुंच जाता है घर। और यहाँ पर गुशीर से बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। और फिर वो बोलता है कि आधे घंटे पहले आंट ने मुझे बुलाया था लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे स्टमक हो रहा है। तो फिर वही यहाँ पर आ रही हैं बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर जो यान है उसे वो जो चीज़ें लेकर आया था वो देता है और उसे बोलता है तुम ये अपने पास रखो। और जो भी वो साथ में सामान लाया था वो उसके रूम में लगाने लगता है और वहाँ पर स्पिरिट्स को समन करने लगता है। तो यहाँ पर गुशी और जांग उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है उसकी मतलब स्टेप मदर और गुशी उसे लेने जाता है। तभी यान बोलता है कि हमें जल्दी से हाइड करना होगा, उसे मत पता लगने देना कि हम दोनों भी यहाँ पर हैं। और हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पर जांग उसे देखता है और सोचता है कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर कुछ और, ये सच में कुछ डिफरेंट लग रहा है पहले से। तो यहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, पता नहीं उसे कब पता चलेगा। तो हम देखते हैं जांग देखते हैं यान को और उसका हैंडसम फेस देख के वो ब्लश करने लगते हैं। तो जो यान है उसे पता चल जाता है कि जांग उसे देख रहा है। तो वो उसकी ओर बढ़ता है और उससे बोलता है मिस्टर जांग अगर तुम इसे ही ऐसे ही मुझे घूरते रहे ना तो तुम्हें मुझे पे करना होगा। और वो स्माइल करता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो इस बात का जांग क्या आंसर देगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जांग है वो यान को घूर रहा होता है। तो यान उससे बोलता है तुम्हें मुझे पे करना होगा और फिर वो बताता है कि तुम जितने टाइम मुझे देखोगे उतने टाइम तुम्हें पे करना होगा। और वो उसे पूरा टोटल 9,000 युआन बता देता है और सोचता है कि सुबह ही मैंने जो कैलकुलेशंस की थी कि मास्टर ने मुझे बताया था जो 10 टेल्स हैं सिल्वर की वो यहाँ के हिसाब से 937 की कुछ पड़ती हैं। तो वो मैंने सुबह ही कैलकुलेट कर लिया था। अभी वो खुद से धोखा नहीं खाएगा क्योंकि पहले उसने बहुत ही कम प्राइस उसे बताया था। तो अभी हम ना देखते हैं जो जांग है उसे बोलता है कि क्या सच में मुझे हमेशा तुम्हें पे करना होगा जब भी मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तो यान बोलता है कि हाँ अभी नहीं बल्कि तुम्हें फ्यूचर में जितने टाइम तुम मुझे देखोगे उतना ही तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो यहाँ पर जांग उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और सोच रहा है कि तुम मेरी ओर अभी देख रहे हो तो तुम्हें भी मेरे मुझे मनी पे करनी होगी। तो उसकी बात सुनकर यान सोचता है कि हाँ उसकी अपेयरेंस काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, उसके फीचर्स भी काफ़ी डीप एंड शार्प हैं लेकिन उसकी गेज कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है जो कि लोगों को लूफनेस फील कराती है, लोनली फील कराती है। और फिर यहाँ पर यान उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देता है कि क्योंकि मेरी जो है जब भी मैं तुम्हें देखूँगा मेरे पास इनप्रॉपर थाट्स नहीं होंगे तुम्हें लेके। तो यहाँ पर ना वो कहना चाहता है कि जब भी तुम मुझे देखते हो तुम्हारे अंदर इम्प्रॉपर थाट्स हैं। तो यहाँ पर जांग उसे बोलता है तुम तो ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे मैं। तभी वो कुछ नहीं कह पाता क्योंकि यान उसका मुंह बंद करता है और उसे बोलता है साउंड मत प्ले करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो आंट होती है उसकी गोशी की वो बोलते हैं कि अभी भी मुझे लगा कि बालकनी से कोई स्पीक कर रहा है। तो यहाँ पर गोशी से बोलता है कि मुझे लगता है ये नेबर प्लेस से आ रही है, यहाँ से कोई नहीं है। तो हम देखते हैं यान बहुत ही नज़दीक चला जाता है जांग के ताकि उन्हें कुछ पता ना चले। तो जांग हम देखते हैं ब्लश कर रहा होता है। तो आगे हम देखते हैं जो उसकी होती है ना मतलब स्टेप मदर होती है वो बोलती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर गुशी बोलता है कि आंट जो भी आपने मुझे प्लांट दिया था ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन से फील करता हूँ उसे लेकर क्योंकि मैं चाहे जितना भी पानी दे दूँ उसे लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो ग्रीन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ना जो हम देखते हैं उसकी स्टेप मदर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उससे बोलता है कि जो प्लांट पॉट किया गया था मुझे लगता है तुम ऐसे ग्रीन प्लांट्स का ध्यान रखने में अच्छा नहीं हो। और फिर वो ना उस प्लांट को टच करने लगती है। तभी यान सोचता है कि यही टाइम है और वो वहाँ पर कॉपर कॉइन्स को खिला देता है और वहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं उसे समन करता है। तभी हम देखते हैं आगे जो होती है वो लेडी मतलब जिसका नाम पेनलिन होता है वो सोचती है कि पता नहीं क्यों मुझे स्टफ़ी सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि गुशी मुझे तुम्हारा जो हाउस है ना काफ़ी स्टफ़ी सा फील हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए विंडोज़ को ओपन करती हूँ। तो गुशी बोलता है ओके। तो यहीं पर ना जो होती है वो लेडी उसे ना कुछ हंसने की आवाज़ आती है। तो फिर वो बोलता है कि कौन लव कर रहा है। तो गुशी बोलता है कि आंट आपको क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारे हाउस में कोई वुमन है। तो गुशी बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके आने से पहले मेरे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था। तो यहाँ पर वो ना लेडी बोलती है अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई हाथ आता है जो कि उसके शोल्डर पर आता है। तो हम देखते हैं जैसे ही वो पिलिन पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर ना एक गोस्ट आ जाती है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो चीखे मारने लग जाती है। तो पीछे हम गोशी को देखते हैं जो भी खुद भी ट्रैम्बल कर रहा होता है, उसे भी डर लग रहा होता है। और यहाँ पर वो लेडी है ना वो बेहोश हो जाती है। तभी जो वो गोस्ट है ना वो जाती है यान के पास और उसके बोलते हैं सर, और वो वहाँ पर उसके पास जाने लगती है। तभी हम जांग को देखते हैं जो कि यान के पीछे होती है। तभी जो भूतनी है ना मतलब वो वहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो वो यहाँ पर यान उसे बोलता है तुम डरो मत, ये ऐसे गोश्त को नहीं खाता क्योंकि भूतनी है ना वो जांग को देख के डर जाती है।
तो यहाँ पर ये देख के ना जो भूतनी है वो वहाँ से भागने लगती है और गोशी को पता नहीं होता कि वो क्या कहे। तभी हम देखते हैं जो ये जांग है ना वो तो ब्लश कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक खड़ा होता था यान के। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो पेनलिन है ना वो बोलते हैं ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये सारा गु जैन का फॉल्ट है, मतलब गुशी के फादर का। और वो आगे बोलती है अगर वो मेरे साथ इनहेरिटेंस शेयर करता ना तो कभी मैं ऐसा प्लान नहीं बनाती, ऐसे मुझे मनी के लिए गुशी को नहीं किल करना पड़ता। तभी वो वहाँ पर जो मेंटल जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो वो यहाँ पर ना गुशी बोलते हैं मुझे लगता है आंशुआ को कुछ हो गया है, मुझे लगता है वो पागल हो गई है ऐसे फीमेल कोस्ट को देख के, तो आगे क्या होगा। तो यहाँ बोलता है कि जो भी ईवल डीड करते हैं उन्हें ऐसे कॉन्सिक्वेंस भुगतने ही पड़ते हैं क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो वैसा ही बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो तो पागल सी हो जाती है। तो आगे ना जो जांग है वो जाता है यान के पास और बोलता है यान थैंक यू इस टाइम मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर यान बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें मनी के लिए कर रहा हूँ। और आगे बोलता है यहाँ पर थोड़े से लूज एंड्स बाकी हैं क्योंकि हमें रिमूव करने होंगे, तो मेरे साथ तलस्मन पेपर को रिमूव करने में हेल्प करो। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ पेरिन के साथ रहो। तो वो जो घोस्ट है ना वो वहाँ पर खड़ी होती है और बोलती है ओके सर। तो हम देखते हैं जो सभी लोग तलस्मान को रिमूव कर रहे होते हैं। तभी जो पीछे से गुशी है ना वो यान के पास आता है और बोलता है यान, और बोलता है कि तुमने कहा था जो मेरी ब्रदर है उसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, क्या ये सच है। तो वो बोलता है कि हाँ। तो गुशी बोलता है क्यों, मेरे ब्रदर ने तो कुछ गलत नहीं किया है। तो यहाँ पर यान बोलता है कि उसका जो ऑरा है ना मतलब उसकी जो डेस्टिनी है वो एम्परर ज्यू की है जो कि किसी भी चीज़ से अपनी पावर और लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जितना अचीव वो कर सकता है उतना ही उसकी जो लाइफ है लॉन्ग रहेगी। तो आगे कोशी कुछ बोलने लगता है तो आगे यान बोलता है लेकिन उसके अंदर एक सोल की कमी है जिसकी वजह से वो एम्पीरियल ऑरा का बर्डन है वो सह नहीं पा रहा अब। तो यान के पास उनके के जो जांग है उसकी लाइफ स्पैन छोटी है, वो बोलता है गोशी के तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो तो तुम उसकी मिसिंग सोल रिस्टोर कर सकते हो ना। और आगे बोलता है कि मनी यहाँ पर इशू नहीं है, बहुत जांग फैमिली और गु फैमिली तुम्हारी जो मनी की प्रॉब्लम है वो तुम्हारी विशेज़ के अकॉर्डिंग फुलफिल करेगी। तो यान उसे देखने लगता है और सोचता है कि इंडीड मैं उसका फेस वेट है ना वो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, मतलब ग्रेट कॉस्ट पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं जांग वहीं पर होता है और उनकी बातें सुनता है, शायद उसे अच्छा नहीं लगा ऐसा ही यान की बात सुन के।